वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक्चुअली होने वाला है, मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था एक्चुअली कि उसने मुझे बोला कि अभी दिस टाइम पे मच नीडेड है वेट लॉस वीडियो, बिकॉज हम लेडीज़ क्या है, पूरे टाइम ये क्वारंटाइन टाइम में पूरे टाइम घर में रह के खाना बनाना है, अब जो भी बनाते हैं वो खाते ही हैं नॉर्मली, और हमारा पर्सनली हमारे लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा इस टाइम पे। सो शी नोज़ मी एंड आफ्टर डिलीवरी लाइक मेरा छोटा वाला बेटा ही इज़ वन ईयर एंड थ्री मंथ फोर मंथ का है अभी। सो मैं 85 केजी पहुंच गई थी आफ्टर डिलीवरी एंड नाउ आई एम 67 और 66 समथिंग, तो अभी 2-4 किलो मेरा भी बढ़ चुका है। बट एक्चुअली मैं मुझे क्या वर्क करता है और मैं क्या क्या चीज़ें बहुत ध्यान में रखती हूँ जिससे वेट बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, बिकॉज होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे हम वेट गेन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद हमें समझ में आता कि यार अब तो बहुत गेन हो गया, अब तो लूज़ करना पड़ेगा। बट आप उससे पहले ही जब आपका इनिशियल में ही बढ़ना शुरू हो जाए तो उससे पहले ही आप थोड़ी सी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान में रख लें तो वो इतनी मुश्किल नहीं होगी चीज़ें। एक बार होने के बाद जब आप बहुत ज़्यादा हो जाए उसके बाद फिर आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया, 85 से 65 हो गई थी, बट यू नो उसके बाद ये सारा लॉकडाउन एंड ऑल, तो उसके बाद यू नो हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग केयर ऑफ कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। सो बिफोर मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई मैजिक ट्रिप नहीं है, टिक्स नहीं है वेट लूज़ करने की। हर चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत की कुछ भी नहीं मिलता है, जो या एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। सो व्हाट आई डू इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपने बहुत देखा भी होगा यूट्यूब में और पर्सनली लोग फॉलो भी करते हैं, आजकल काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो लोग करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हाट आई डू, जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं एक बड़ा जार पानी लेती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, एंड उसमें मैं लेमन डालती हूँ, हनी डालती हूँ, कभी उसमें जिंजर डाल लिया और कभी ऐसे ही नींबू डाल के मैं उसको पी लेती हूँ। उसके बाद मैं 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक मैं सिर्फ पानी ही पीती रहती हूँ। वो पीने के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक घंटे के अंदर मैं 1 लीटर पानी ख़त्म कर दूँ, वही गर्म पानी। 1-1.5 घंटे तक मैं नहीं करती, मैं जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, एक्चुअली थोड़ा लेट ही करती हूँ बिकॉज फैमिली को ब्रेकफास्ट कराना और उनका सारे काम में टाइम लग जाता है, सो मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पानी पीती रहती हूँ, गर्म पानी पीती रहती हूँ। सो इससे एक और फ़ायदा है कि आपका पेट जो है क्लीन हो जाता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही आप उठते हैं तो आपका पेट जो है क्लीन होना शुरू हो जाता है। सो कोशिश करें कि सुबह उठते ही चाय, दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय ये ना पिए, और अगर आप हैबिचुअल हैं चाय पीने के सो कोशिश करें कि बहुत थोड़ी सी चीनी और बहुत कम मिल्क की चाय पिए, अगर आपका नहीं बनना है चाय के बिना तो। मेरा हो जाता है, मुझे चाय नहीं चाहिए। सो फर्स्ट थिंग ये हो गई गर्म पानी, नींबू और हनी, एंड सेकेंड चीज़ जो मैं लेती हूँ वो है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। सो नॉर्मली या तो कभी ब्लैक कॉफ़ी ले लिया या तो उसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिला लेती हूँ, कभी आलमंड मिल्क मिला लेती हूँ, और अगर आलमंड और कोकोनट मिल्क नहीं मिले, ये पूरा ऑप्शनल है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें। सो इट जस्ट गिव यू इंस्टेंट किक स्टार्ट, यू नो जैसे ही आप ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे तो एक तो ब्लैक कॉफ़ी का एक ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाता है एंड साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प करता है काफ़ी। सो मैं सेकेंड थिंग मेरी ये हो गई ब्लैक कॉफ़ी पीना, 2-3 बार दिन में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। एंड द थर्ड ड्रिंक दैट इज़ रियली वर्क फॉर मी, जो हमारे साइड काफ़ी देते हैं, दैट इज़ अजवाइन, जीरा, सिनेमन एंड हींग भी मिलाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, ये देते हैं। अब आप लोग इनमें से कितने लोग जानते हैं आई डोंट नो, बट मेरे यहाँ आफ्टर डिलीवरी यही पानी 1 से 1.5 महीने तक दिया जाता है। सो ये पानी मैं अभी तक पी रही हूँ, हमेशा पीती रहती हूँ, जब से अथर्वा उसके बाद से दूसरा भी, ये पानी मैंने अपनी हैबिट में डाल लिया है कि ये पानी मुझे 2-3 गिलास दिन में पीना ही पीना है। सो ये पानी क्या करता है, इसमें जो जो चीज़ें हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सिनेमन, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको किचन में इस टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे इजी अवेलेबल हो जाएंगी। सो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बस 1 लीटर पानी आपको भगोने में डालना है और सारी चीज़ें डाल के बॉइल कर लेना है।
सो आप दिन भर ये पीते रहेंगे तो आप दिन भर जो खाएंगे ना उसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा, पेट में ब्लोटिंग क्रिएट नहीं करेगा जो बहुत मतलब कॉमन इशू होता है लेडीज़ के लिए के साथ की बहुत फैट से ज़्यादा तो ब्लोटिंग होती है जो वो पेट सूझा हुआ सा दिखता है। एंड जो फोर्थ चीज़ है दैट इज़ अगर कोई तुरंत डिलीवरी से निकला है तो उसके लिए बेस्ट थिंग है कि इंडिया में बहुत ऐसा होता है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ तो 5 से 6 महीने तक आपको बेड रेस्ट है, मीन 2-3 महीने तो बेड रेस्ट होता ही होता है, ऐसा इंडिया में करते हैं लोग, बेड से हिलने नहीं देते हैं। बट मेरा मानना है कि आप जितनी जल्दी खुद को एक्टिव करेंगे, जितनी जल्दी धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, बिकॉज हमारी बॉडी में खुद इतनी हीलिंग पावर होती है, सेल्फ हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बेड पे बैठने की ज़रूरत नहीं है कंटिन्यू। सो मेरे साथ पाँचवें दिन से मैं चलना शुरू हो गई थी, मैं अथर का ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था 5वें 6वें दिन से, एंड मैं बेड पे कंटिन्यू नहीं बैठ सकती, मतलब इवन अभी भी मैं सोफे में आई डोंट थिंक सो कि मैं दिन में बैठती हूँ कभी, मैं रात के जब ये दोनों सो जाते हैं तब मैं 1 से 1.5 घंटा सोफे में बैठती हूँ, अदरवाइज मुझे बैठने की आदत नहीं है, मैं अगर कुछ काम नहीं हुआ तब भी मैं वॉक करती रहूँगी या चलती रहूँगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस कि अगर आप पूरे टाइम कहीं एक जगह बैठे रहते हैं या किचन में खड़े भी रहते हैं ना तो खड़े खड़े ही वॉक करना शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा एक्सरसाइज पे, एंड साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, काम भी हो रहा है, तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लाइक आपको उसमें बहुत एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट नहीं डालना है, बट आप ऐसा भी नहीं है कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, दिस इज़ बेसिकली फॉर द लेडीज। सो एंड सबसे ज़रूरी है पूरी फैमिली के लिए आपकी आप डाइट पे मत जाएं, बट या अडॉप्ट करें हेल्दी ईटिंग को, बिकॉज डाइट जो है लॉन्ग टाइम पे नहीं चल पाती है और डाइट जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए चलता है बिकॉज उसके बाद फिर हम फिर टूट पड़ते हैं उसी स्पीड से, तो कोशिश करें कि एक हेल्दी डाइट पे जाएं, एक हेल्दी ऑप्शन अडॉप्ट करें, चूज़ करें आप जब भी सामान लेने जाते हैं तो कंपैरिजन करें विच इज़ हेल्दी ऑप्शन विच इज़ यू नो नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो ऐसी हैबिट्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, एंड थोड़े से कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे आपको मतलब थोड़ा सा एक्टिवनेस रहे बॉडी में, और या चाहे आप योगा कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, किसी भी तरह की आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, आई मीन एज पर योर कन्वीनियंस, नेट पर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं वो कोई भी कर लें, 10 से 15 मिनट 20 मिनट जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन चेंज एंड यू नो अडॉप्ट गुड हेल्दी लाइफ, बिकॉज मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। Yeah, that is it for today's video. If you really like this video and thoda se bhi motivate hue hain, toh do let me know and subscribe to my channel and hit the bell icon and I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye. See, bye-bye. Bye. Bye. Bye.